नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार के सांसद और जेजेपी के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन और सीनियर नेताओं का सहारा लेना छोड़ दे बीजेपी। कहा, किसी शहीद के परिवार को बीजेपी ने नहीं दी टिकट। वहीं परिस्थिति के अनुसार जेजेपी किसी भी शहीद के परिजन को दे सकती है टिकट। वेट एंड वॉच की नीति पर चलेगी जेजेपी। प्रथम चरण के चुनाव उपरांत जेजेपी उतारेगी अपना उम्मीदवार। पत्रकारों से बातचीत में दिया बड़ा बयान। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। हिसार के सांसद एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी को एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन तथा सीनियर नेताओं का सहारा लेना छोड़ देना चाहिए। इससे तो अच्छा था किसी शहीद के परिजन को टिकट देना। उन्होंने कहा कि जेजेपी की परिस्थितियों के अनुसार और उसी के अनुरूप किसी शहीद के परिजन को टिकट देने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला आज सिरसा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने की बात पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी जेजेपी वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है। पहले चरण के चुनाव के बाद उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 6 अप्रैल को दिल्ली में जेजेपी की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एक बारी जो और स्टेटों का पहले फेज का सेकेंड फेज का चुनाव है वो जल्द से जल्द पूरा हो ले, और उसके बाद जो माहौल बनता है उस माहौल के अंदर किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए उस पर विचार विमर्श नेशनल एग्जीक्यूटिव करे और स्टेट के अंदर सबको डायरेक्ट करे कि स्टेट को किस प्रकार से आगे लेके चलना है। आज की परिस्थितियाँ बड़ी अनुकूल है, हर व्यक्ति जननायक जनता पार्टी से जुड़ना भी चाह रहा है और एक बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो बदलाव ही परिवर्तन लेकर आएगा। एक संगठन अभी खड़ा कर रहे हैं, अगर परिस्थिति बनेगी तो दिल्ली भी छठे फेज के अंदर है। अगर हमें कोई लगता है कि दिल्ली के अंदर संगठन मिलकर यह निर्णय लेता है तो जरूर उस पर भी विचार किया जा सकता है। 6 अप्रैल को दिल्ली के पूरे प्रदेश की बैठक बुलाई गई है दिल्ली के नजफगढ़ के अंदर, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली के अंदर संगठन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो शुरुआत है, हमने नहीं छोड़ा था, हमें तो पार्टी से निकाला था, मगर कोई भी ऐसी चट्टान नहीं है जो खिसकती नहीं। और हम बात करें तो ग्रेटर लेफ्ट चाइना जो है वो भी कितनी जगह ध्वस्त हुई है। तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को ये तो विश्वास हो गया कि एक बदलाव है। जो लोग ये सोचते थे कि सारे बदलाव वही ला सकते हैं, आज उनको भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने पड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि तो शुरुआत है, अभी तो 12 बचे लोकसभा चुनाव में, आज के दिन भी 48 दिन है, देखते हैं 12 में से और कितने गायब हैं। केवल मात्र गुड़गांव ही नहीं, NCRB का डाटा बताता है कि हरियाणा प्रदेश में जो क्राइम रेशो है वो इतना बढ़ चुका है कि हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। हर रोज 2 रेप की घटनाएं, अगर हम मर्डर डकैती जैसी घटनाओं की बात करें तो उसका तो रिकॉर्ड ही आज सरकार के पास पूरा सूरा नहीं आता। और जिस तरह की घटना गुड़गांव के भोंडसी में सामने आई, ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। मुख्यमंत्री जो गृह विभाग को संभालते हैं आज कहीं ना कहीं वही फेल हो चुके गृह विभाग को चलाने में। जनता इस चीज़ को देख रही है और जनता इस चीज़ पर आगामी 12 मई को वोट के दम से अपना जवाब दे। भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण की बात करती है। येदियुरप्पा की डायरी मिली जिसमें करोड़ों रुपयों के, येदियुरप्पा पे क्यों जाए, हम प्रदेश की बात करें, मेडिकल स्कैम इस प्रदेश में हुआ, ठेकेदारी प्रथा में 50,000 की रिश्वत इस प्रदेश में ली गई। आज जो अरावलीज को तोड़ने के लिए एक्ट बनाया गया बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, वह हरियाणा प्रदेश में हुआ। आपने खुद देखा था किस तरीके से कैल्डर बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम खुद मुख्यमंत्री ने साइन कर किया। तो ये सारी चीज़ें तो हरियाणा प्रदेश में भी है, और जो बीजेपी अपने आप को दूध का दूल्हा कहती है उस बीजेपी का भी जनता जवाब देगी और करारा जवाब जल्दी देने का काम। भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र खिलाड़ी, एक्टर और अपने सीनियर नेताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ती आई। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को
इतना मजबूत मानती है, तो एक्टरों का स्पोर्ट्समैन का कोटा छोड़कर इस देश के अंदर एक टिकट तो किसी शहीद के घर वालों को देनी चाहिए। आज शहीदी दिवस है, हम जब बात करते हैं राजगुरु शहीद आजम भगत सिंह की, 22 साल 23 साल की उम्र के अंदर इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया था, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 180 से ऊपर सीट टिकट अनाउंस हुई है, तो उस लिस्ट को देखो तो कहीं ना कहीं युवा को जो उसका हक था वो भी देने का काम बीजेपी ने नहीं किया, ना नौकरी दी ना रोजगार के साधन बनाए। इस हालात के अंदर इस देश की 56% आबादी वोटिंग की जो युवा है वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देगी। हमने जो लोकसभा प्रभारी बना रखे हैं उन सब की जिम्मेवारी लगाई है, चर्चा करें और बिल्कुल अगर कोई परिस्थिति बनती है तो जरूर इस पर भी विचार किया जाए। मैं कमेटी का सदस्य नहीं हूँ जो इस पर निर्णय लेगा, पर मैं चाहता हूँ कि देश के बदलाव के लिए जरूर अगर सब सैक्रिफाइस करने को तैयार है, जैसे बिहार के अंदर हुआ, एक परिस्थिति बनी, अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो जरूर नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर होने के नाते मैं इस पर मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, ना मौजूद था ना मेरी दिग्विजय सिंह से उसके बारे में कोई बातचीत। आप चुनाव लड़ सकते हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी जहाँ संगठन की बात है, मेरी एप्लीकेशन तो जरूर रहेगी इस हार लोकसभा लड़ने की, और पार्टी के निर्णय है कहाँ से उतारती है, किस परिस्थिति में उतरना पड़ता है जरूर, और अगर पार्टी कहती है कि हमें और जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ेगी तो जरूर जिम्मेवारियाँ भी मजबूती से निभाएंगे। हमने जो लोकसभा प्रभारी बना रखे हैं उन सब की जिम्मेवारी लगाई है, चर्चा करें और बिल्कुल अगर कोई परिस्थिति बनती है तो जरूर इस पर भी विचार किया जाए।